हाय फ्रेंड्स, मो नाम हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुं कॉम्पिटिटिव ओडिशा। सो आज वीडियो रे आम डिस्कस करवा बोट एंड स्ट्रीम रो पार्ट टू उपरे। तो या उपरे आम कौन करवा ना, जिते भी सब एमसीक्यूज आपंकर पॉसिबल हो पार बोट एंड स्ट्रीम रे, ताको आम डिस्कस करवा। तो जदि आप मैंने पार्ट वन वीडियो को देखी ना, तो मुझे डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देवी कि टेलीग्राम ग्रुप रे भी मुझे ऑलरेडी शेयर कर सारी। तो आप मैंने टेलीग्राम ग्रुप रे भी ज्वाइन हो पारे, जो थे कि आप मैंने पीडीएफ भी पाई पारे। ता सहित तो जो भी आम क्लासेस हम तार लिंक टा भी आम टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर हुए, तो सही आप से जिनसा भी पाई पारे। ठीक अच्छे, तो जब आप मैंने पार्ट वन देखी ना, पार्ट वन देखो से आपको पूरा कम्प्लीट डिटेल्स कनसेप्ट कहुई, तापर से किसी एमसीक्यूज भी कराई। तो ताको देखिले आपंकर फर्स्ट जिनस, तो आपंकर फंडामेंटल जिनस गुड़ाक क्लीयर हम। तापर आप क्वेश्चन को जमीती भी क्वेश्चन आपको दि जाऊ आपरिपारे। ठीक अच्छे, तो चलतु ताल आज क्लास को स्टार्ट करवा। तो जी आम फर्स्ट क्वेश्चन आड़ को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आमको कौन दिखाई ए स्विमर। तो जिते बड़े भी आम बोट एंड स्ट्रीम रो क्वेश्चन करवा, तो से आपको गोटे जिन सब कही कि जदि आमको बोट जगह कौन मेन देला किंबा कौन स्विमर देला, तो बोट जगह जेकोसी जिनस जब नदी में जाऊँगी से जिनसा आम कमी एज्यूम करवा किमी आम ट्रेड करवा गोटे बोट भले आम ट्रेड करवा। ठीक अच्छे, तो ये आम धरी ना कि यहाँ जो आमको स्विमर दिखाई ये स्विमर न होगी ये आम बोट भाया एज्यूम करवा। ठीक अच्छे, तो बर्तमान क्वेश्चन टाक आम पढ़ा देखो कौन कौन ए स्विमर फ्लोट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करेंट। करेंट मैंने कौन, करेंट मैंने मुझे कि आम जो नदीटा था जो स्ट्रीमटा था आम करेंट भी कही था आम स्ट्रीम भी कही था। तो से कहे कि गोटे बोट कि गोटे स्विमर नदी अपोजिट डायरेक्शन रे जिते बड़े जाऊँगी नदी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड 14 किलोमीटर पर आवर। ता मैंने से कौन कहला देखु, जिते बड़े से अपोजिट डायरेक्शन रे गला नदी तो सेतेबेले तार स्पीड केते हैला 6 किलोमीटर प्रति घंटा हैला, एवं जेतेबेले से नदी रो डायरेक्शन रे गला सेतेबेले तार स्पीड केते हैला 14 किलोमीटर प्रति घंटा हैला। ठीक अच्छे, वर्तमान से पचार छि कोन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्विमर। तो स्विमर टा को मु आपन को कहितली सब बेले को भले आपन माने ट्रेड करबे सब बेले बोट भले ट्रेड करबे, ता माने से आपन मन को बोट रो स्पीड पचारला। ठीक अच्छे, तो देखो जितेबाला आम नदी अपोजिट डायरेक्शन रे जाऊ से आम या कौन लिखता हूँ एक्स माइनस वाई। एटी एक्स टा कौन, एक्स टा हूँ आम स्विमर कि बोट रो स्पीड आउ वाई टा हूँ आम कौन ना करेन्टर स्पीड कि आम कहीपर स्ट्रीम रो स्पीड। तो एक्स माइनस वाई कौन होक्स माइनस वाई हो 6 किलोमीटर पर आवर। तापर से प्रकार नदी स्पीड रे जिते आम जा मैंने एलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो सहीटा कौन हो एक्स प्लस वाई हो डेफिनेटली। ठीक, तो एक्स प्लस वाई टाक आम कौन लिखा, एक्स प्लस वाई टाइम को कैसे दिखाई 14 किलोमीटर दिखाई, तो 14 किलोमीटर पर आवर लिखा। बर्तमान ये आमको से पचार कौन स्विमर रपीड, तो स्विमर रपीड टाक आम कौन नहीं एक्स नहीं, तो जितेबाला भी आमको एक्स बाहर करार था से आम कौन कर दुईटा को एड कर डिवाइडेड बै टू करते वाई बाहर करार था आम कौन करना ये दुईटा को माइनस करवाइडेड बै टू कर। तो कौन क्या माइनस करेंगे ना सब देखिए कि बड़ क्वांटिटी रो छोट क्वांटिटा को माइनस करेंगे। ठीक अच्छे, तो मैंने आमको एक्स दरकार तो आम कौन करवा दुटा को एड करदे, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू। तो ये कौन हम एक्स प्लस वाई दिखाई 14 एक्स माइनस वाई दिखाई 6 डिवाइडेड बै टू इज इक्वल्स टू के 20 डिवाइडेड बै टू इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। ता मैंने आमर स्विमर रो स्पीड टा केते हैला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज ऑप्शन ए हिज करेक्ट आंसर। अच्छा, जदि ए जगह से आमको स्विमर रो स्पीड न पचारे कि जदि मन करंतु कि से स्ट्रीम रो स्पीड पचार थांता दैट इज वाई पचार थांता, तो सही जगह आमे कोन कर थांते आमे कर थांते एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। मुझे जमी कहली कि बड़ क्वांटिटी रो सब छोट क्वांटिटी को माइनस करवा डिवाइडेड बै टू करवा, तो ये कौन आसो 14 माइनस 6 डिवाइड बै टू इज इक्वल्स टू हो 8 डिवाइड बै टू इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ता मैंने आम नदी स्पीड केत 4 किलोमीटर प्रति घंटा को होता। ठीक अच्छे, आशा करी आप फर्स्ट क्वेश्चन टा बुझी आसो, और जदि आपश्चन गुड़ाक करें निजर आंसर गुड़ाक भी कमेंट बॉक्स में आपंतु। ठीक अच्छे, तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू आमको कौन दिखाई देखो, द स्पीड ऑफ ए बोट एलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये आमको कौन दे बोट रपीड टा एलोंग द स्ट्रीम, एलोंग द स्ट्रीम मैंने कौन स्ट्रीम रो डायरेक्शन रे, तो याकु हमें कौन लिख पारिबा एक्स प्लस वाई लिख पारिबा, तो एक्स प्लस वाई केते दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया
एंड कौन दिखाई एगेन्स्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर तमें से कहला कौन ना नदी अपोजिट डायरेक्शन स्पीड टा के दैट इज एक्स माइनस वाई तो सही दिखाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई ठीक तापर से क्वेश्चन पचारे कौन टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन स्टील वाटर तो सी कह बोट टाक 24 किलोमीटर स्थिर जल रे स्टील वाटर माने कौन स्थिर जल रे जीवा पाई ताको केते समय लागिवो अच्छा तो जदि हमको बोट रो कौन बाहर करिवार अछि बोट ताको जीवा पाई केते समय लागिवो सेटा हमको बाहर करिवार अछि तो एठी हमको दरकार कौन हमको दरकार टाइम तो मु आपन मन को फर्स्ट क्लास रो ऑलरेडी कहि आछि कि टाइम इज इक्वल्स टू कौन हुए ना टाइम इज इक्वल्स टू हे डिस्टेंस बाय स्पीड तो आमको डिस्टेंस तो से दे दी 24 किलोमीटर आमको स्पीड टा देनी तो स्पीड आमको बाहर करके पड़ो तो स्पीड मु प्रीवियस क्वेश्चन में कहली आपण मन को केमती बाहर करबे तो एठी जेतु से बोट कथा कहू छी तो बोट रो स्पीड दरकार ठीक तो आमे कौन करबे ताले ए दुटा को ऐड कर दबा तो 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2 केते जेबो 10 किलोमीटर पर आवर तो एक्स रो वैल्यू पाई गले तामने स्पीड टाइम पाई गले वर्तमान टाइम हमें बाहर कर परबा टाइम कोन है जो देखो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कते है जो 24 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 2.4 आवर्स ठीक अछि सो एतिकी ताको घंटा लागिवो 24 किलोमीटर जीबा पाई दैट इज योर करेक्ट आंसर तो कोन है जो ताले ऑप्शन सी है जी बुझी आसिला तापर जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो कौन कहूँ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट द मूवमेंट ऑफ ए बोट इज 2 किलोमीटर पर आवर तो से कहला कौन गोटे बोट रे जत बेले करंट रो माने स्ट्रीम रो अपोजिट डायरेक्शन रे जाउ छी सेत बेले तार स्पीड टा दे दी मूवमेंट माने कौन स्पीड कथा ठीक तो एटा कौन हो ताले एक्स माइनस वाई केते हिजबो 2 हिजबो एंड स्पीड इन द स्टील वाटर इज तो स्टील वाटर रे से स्पीड दे छी तो स्पीड ता कहार दे थबो ऑफ कोर्स बोट रो दे थबो यस और नो ता माने से एक्स रो वैल्यू ता केते दे छी 4 दे दी छी पचार छी कोन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम तो स्ट्रीम रो वेलोसिटी पचार छी ता माने कोन पचार छी वाई पचार छी ना नै पचार छी तो एठी एक्स जगह रे अपन माने 4 रखि दियंतु तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 तो एठ वाई रो वैल्यू ता केते हे जेबो ताहले 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर पाइ गेले ना नै आमे तो ए प्रकार से आपण मन को कोन दे पारिबो बोट रो स्पीड दबो स्ट्रीम रो स्पीड पचारिबो किंबा स्ट्रीम रो स्पीड दबो बोट रो स्पीड पचारिबो ठीक अछि तो वाई रो वैल्यू टा केते पाइले हमें ताहले 2 किलोमीटर पर आवर बट ऑप्शन रे देखंतु 2 किलोमीटर पर आवर देनी तो ए जगह आपण मैंने कंफ्यूज करिया पई से एमते क्वेश्चन दिए तो जते बेले भी ए टाइप रो क्वेश्चन दबो तते बेले डरिबार बिल्कुल भी नै ऑप्शन डी टा को टिक मारिबे दैट इज नॉन ऑफ दिस ठीक अछि तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टा अपन माने पढंतु तापर अपन माने निजरो आंसर टा को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स रे जणंतु तापर अपन माने सॉल्यूशन टा देखो ठीक तो देखो तो कोन कहू छी 4 नंबर क्वेश्चन द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इट कवर्स अपस्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स देन से पचार छी कोन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज तो सी स्ट्रीम रो हमको स्पीड पचार तो क्वेश्चन टा कौन कहला फर्स्ट ऑफ ऑल बुझी आसला कि नहीं देखो कौन कहला बोट रो स्पीड टा दे दी छी हमको स्टील वाटर ता माने एक्स रो वैल्यू टा दे छी केते 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे छी एंड से कहू छी इट कवर्स अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम माने कौन नदी रो अपोजिट डायरेक्शन रे तो से कहू छी अपोजिट डायरेक्शन रे ताकु 45 किलोमीटर जीबा पई 6 घंटा समय लागू छी तो यार स्पीड टा में बाहर कर परबा ना नहीं स्पीड इज इक्वल्स टू कौन हुए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन तो एटू ताले हमरो एक्स माइनस वाई टा कौन आसीबो एटा आसीबो हमरो 45 अपॉन 6 आसीबो 10 किलोमीटर पर आवर तो याकू अपन माने पॉइंट रे कन्वर्ट करंतुनी ठीक अछि याकू एमती ही रखंतु तापर वर्तमान से पचार छी कोन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पचार छी ता माने वाई रो वैल्यू टा पचार छी तो एटा अपन माने एक्स रो वैल्यू टा रखि दियंतु एक्स दैट इज 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 6 तो इट वाई रो वैल्यू टा कौन आसीबो 10 माइनस 45 बाय 6 इज इक्वल्स टू केते आसीबो 60 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू इगला 15 अपॉन 6 तो याको जदी आपण माने वर्तमान कैंसिल करबे 3 रे आ 3 रे जदी याको आपण माने कैंसिल करबे तो एटा हिजबो आपण को 2 हिजबो एटा हिजबो आपण को 5 तो 5 बाय 2 आवर्स तो 5 बाय 2 आवर्स मींस हम कोन लिख परबा 2.5 आवर्स ठीक अछि तो ताकू केते समय लागिवो 2.5 आवर समय लागिवो सॉरी स्पीड स्ट्रीम रो स्पीड टा केते हेबो 2.5 आवर दैट इज ऑप्शन ए
ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଲର ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ତ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ସେଲରର ସ୍ପିଡ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ, ମିନ୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯେତେବେଳେ କହେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେ କେତେ 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ତାମାନେ ସେ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ସରି ୱାଇର ଭେଲୋସିଟିଟା ଦେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଭେଲୋସିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ଏଣ୍ଡ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଦ ବୋଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତ ସେ କହୁଛି କି ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ଟା କ'ଣ ହବ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତାମାନେ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ତ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1.5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 15। ତ ଏଇଠୁ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ଆସିବ, ତାହେଲେ 15 - 1.5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆସିଗଲା କେତେ 13.5, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକ୍ସ ପାଇଲେ 13.5, ୱାଇ ପାଇଲେ 1.5, ତ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ'ଣ ଆସିବ, ତାହେଲେ 13.5 - 1.5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 12 ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝି ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ଥିବ, ତ ବହୁତ ବେସିକ୍ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ ମେନ୍ ସୁଇମ୍ସ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ 15 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ 1 ଆୱାର। ତ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ, ତାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇନି କି, ସ୍ପିଡ୍ ହିଁ ତ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ତାମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସେ କେତେ ଯାଉଛି, 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ତାମାନେ ସେ କରେଣ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ୱାଇର ସ୍ପିଡ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଦେନ୍ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ମେନ୍ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍ ଦ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତ ସେ କହୁଛି କି ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦରକାର। ତ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 15, ତାମାନେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ, 10 ପାଇଗଲେ। ଯଦି ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା 10 ହେଲା ଏଣ୍ଡ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା 5 ହେଲା, ତାମାନେ 10 - 5 କେତେ ହେଇଯିବ, 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ତାମାନେ ତାର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସ୍ପିଡ୍ଟା କେତେ ଅଛି, 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଅଛି। ବଟ୍ ତାକୁ ଯିବାର କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, 15 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି। ତାମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ୍ ସ୍ପିଡ୍। ତ 15 / 5 ଫିଜିକାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, 3 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇଟା ଆମକୁ ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଦିଆହେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ। ବୁଝି ଆସିଲା, କ୍ଲିୟର ଥିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ମୋଟର ବୋଟ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ 45 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ତ ସେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ଟା କେତେ ଅଛି, 45 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ଇଫ୍ ଦ ମୋଟର ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ 80 କିଲୋମିଟର ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ 80 କିଲୋମିଟର ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇନ୍ 1 ଆୱାର୍ 20 ମିନିଟ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ କହୁଛି କି ତାକୁ 80 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ସେ କହୁଛି, ଦେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଇଟ୍ ଟୁ କଭର୍ ଦ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତାକୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଇ 80 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ, ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ଟା କେତେ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, 45 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଦେଇଛି। ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛି କି 80 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ତ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାରେ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବେ, ତ 20 ମିନିଟ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଣ୍ଟାରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 20 / 60 ହେଇଯିବ। ତ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, ତ ଦୁଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଗଲା 1/3।
तो 1 + 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 4/3 आवर्स ठीक अच्छे। तो ताको टोटल इतनी समय लगेगा। तो बर्तमान आमर स्पीड टा कौन है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 4/3। ताको जदि सॉल्व करबे 80 × 3/4 तो एटा हिजबो 20। ता माने तार स्पीड केते हेगला 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो वाई रो वैल्यूटा मिल जाव। वाई रो वैल्यूटा के आसो तो देखो 60 - 45 इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। वाई मिलगला बर्तमान कौन बाहर करवा एक्स माइनस वाई बाहर करवा तो एक्स हो गला कते 45 वाई हो गला कते 15। सो दिस इज इक्वल्स टू कते हेगला 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स माइनस वाई आमको मिलगला अपस्ट्रीम रे तार स्पीड टा कते छि सेटा आमको मिलगला। बर्तमान से कहि कौन ना ताको 80 किलोमीटर जीवा पई केते समय लागिवो। तो वर्तमान टाइम इज इक्वल्स टू कौन हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होची 80 एंड स्पीड होची 30। तो दुटा को आपण माने जदि कैंसिल करबे तो 8/3 आवर्स। बट एठी हमको आवर्स एंड मिनिट रे कन्वर्ट करके लिखिबार अछि। तो याको आपण माने मिश्र भग्नांश रे कन्वर्ट करंतु। मिश्र भग्नांश रे कन्वर्ट करले कौन हो देखंतु 3 × 6 एठी आसीबो 2 / 2 = 3 आवर्स। ता माने एटा आपणकर कौन हैला ना 2 आवर्स। तो हैला ता सहित 2/3 आवर्स। तो 2/3 आवर्स मैंने कौन हो देखो 2/3 × 60 जदि करेंगे तो ये आपंकर कौन हम 20 × 20 20 × 2 = 40 मिनिट्स। तो 2 hours 40 minutes ताको समय टोटल लगे ठीक अच्छे। सो यार करेक्ट आंसर कौन हे ऑप्शन सी। आशा करी आप क्वेश्चन गुड़ार आंसर गुड़ाक बुझी आसत कि कमी आंसर गुड़ाक फाइंड होती। आपको कौन से जगह प्रोब्लेम आसने कमेंट बक्स में कमेंट करके जिनसा जन पारे ठीक अच्छे। तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़क आम देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आमको कौन देखिए यहाँ क्वेश्चन टाइम भलसे बुझे। ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी देखो। वन पर्सन कैन स्विम इन स्टील वाटर एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो से कह कि गोटे लोक कौन करुच्चे ना स्थिर जल रे 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे जाउची। ता माने बोट रो स्पीड टा दे दैछि एक्स इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट से कौन कहूँ इन द रिवर फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू अनदर फिक्स पॉइंट। तो से कहूँ कि यहाँ मन करूँ गोटे फिक्स पॉइंट यहाँ मन करूँ आउ गोटे फिक्स पॉइंट। तो ए फिक्स पॉइंट रू ए फिक्स पॉइंट को जीवापाई दैट इज ए पॉइंट रू बी पॉइंट को जीवापाई इट टेक्स ट्वाइस द टाइम कंपेयर टू द टाइम स्पेंट इन गोइंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो से कहूँ कि ए पॉइंट रू बी पॉइंट को जीवापाई ताकु डाउन स्ट्रीम रे जितकी समय लागुथला अपस्ट्रीम रे जीवा पाई ताकु कोन हला ना अधिक समय लागला ठीक अछि। देन से कोची फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो से कोची कोन ताहले स्ट्रीम रो स्पीड एटा कोन हो ठीक अछि। तो ए जगह रे हमें स्ट्रीम रो स्पीड टा केमती बाहर करबा एठी से हमकु देइनि कि ताकु अलोंग द स्ट्रीम जीवा पाई केते स्पीड अछि किबा डाउन अपस्ट्रीम रे जीवा रो तारो स्पीड केते अछि से जंसडा हमकु देइनि। तो बर्तमान हमें ताहले स्ट्रीम रो स्पीड टा केमती फाइंड करबा ठीक अछि बुझु। मन करूँ एटा गोटे आमको कौन देना यहाँ गोटे पॉइंट देसी एंड यहाँ गोटे पॉइंट देसी दुटा पॉइंट देसी या भितर मन करूँ किसी भी आपंकर डिस्टेंस अच्छी किसी भी डिस्टेंस थे ठीक अच्छे। तो जदि ताक मन करूँ कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आमको देखे क्वेश्चन एक्स प्लस वाई मैंने कौन एक्स प्लस वाई मैंने डाउन स्ट्रीम जीवाई केपीड लगुच एंड एक्स माइनस वाईटा हूँ अपस्ट्रीम जीवाई केपीड लगुच ठीक अच्छे। तो यहाँ तालोले जो आम रेसीोटा काढ़ कहार रेसीो हम यहाँ हम स्पीड रेसीो अच्छा। आउ गोटे आम जिन पढ़ी कौन ना स्पीड इज इक्वल्स टू आम पढ़ी डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ी ना पढ़ी। तो बर्तमान ये आप देखिए देखो ए रु बी जी डिस्टेंस बी रु ए से डिस्टेंस डिस्टेंस तो ये जगह सामान हो ना नहीं सामान हो। तो जदि आमर डिस्टेंसटा जितेबाला समान हम तो यही आम गोटे जिनस कि स्पीडटा तालोले कौन हम ना स्पीडटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम क्या सहित टाइम सहित तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम। तो ये मुझे गोटे जिनसि कि जदि आम स्पीड रेसीोटा हूँ एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई ताने तार टाइम रेसीोटा कौन हम टाइम रेसीोटा अफकोर्स हम एक्स माइनस वाई इज टू एक्स प्लस वाई ये सर ये तार टाइम रेसीो हम से प्रकार मन करूँ कि मुझे स्पीड बाहर कली कौन ना एक्स एंड वाई रो स्पीड बाहर कली। तो से जगह आम टाइम टा कौन होता है टाइम टा होता वाई इज टू एक्स। तो यहाँ है बेसिकली आपंकर कनसेप्ट कौन कनसेप्ट ना जितेबाला डिस्टेंस सामान थी तो स्पीड रेसीोटा जहाँ हम तार रेसीप्रोकलटा हम टाइम रीड किंवा जब टाइम रेसीो दिखाई तार रेसीप्रोकलटा हम कौन ना स्पीड रो आपंकर रेसीो ठीक अच्छे।
ତ ଏଇଟା ଥିଲା କନସେପ୍ଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ର ସ୍ପିଡ଼ଟା ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, 9 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଏଣ୍ଡ ସେ କହିଲା କି ଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ବି ପଏଣ୍ଟକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ ଲେଖିବି, ଟାଇମ୍ କଥା ଦେଇଛି, ଓକେ ଟାଇମ୍ କଥା ଦେଇଛି, ତ ଟାଇମ୍ ଆମର କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତ ତାକୁ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିଲା, ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ତା'ର ଟ୍ୱାଇସ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟାଇ ତ ଆମକୁ ସେ କହୁଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠୁ କହିପାରିବି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିବା, ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ରେସିଓ ବାହାର କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ, ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ରେସିଓ କ'ଣ ହବ, ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ରେସିଓ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଏଡ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବେ, ଏକ୍ସର ରେସିଓ ପାଇବେ। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାଇନସ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ୱାଇର ରେସିଓ ପାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, 3 ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା, 2 - 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ, 1 ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ 3:1 ଆମେ ପାଇଲେ। ତ ଏଇଟା କାହାର ରେସିଓ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଟାଇମ୍ର ରେସିଓ। ଯଦି ଏଇଟା ଟାଇମ୍ର ରେସିଓ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେନ୍ ଦ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସ୍ପିଡ଼ଟା କ'ଣ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଏକ୍ସଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଏକ୍ସଟା ଆମକୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦିଆହେଇଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଲେ, ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ସଟା ପାଇଲେ 3। ୟେସ୍ ଓର୍ ନୋ, ଏକ୍ସଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ, 3 ପାଇଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ପାଇଲେ 3, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ନ ହେଇକି ଏଇଟା ସେ କେତେ କହୁଛି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି 9 କିଲୋମିଟର। ତା'ମାନେ ଆମେ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଣ କଲେ ନା, 3 ଗୁଣ କଲେ କି ନାହିଁ କଲେ, ତା'ମାନେ ୱାଇଟା ବି କ'ଣ ହବ, ତାହେଲେ ୱାଇଟା ବି ତ 3 ଟାଇମ୍ସ ହବ। ତ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ 3 ଯଦି ଆମେ କରିବା ତ ୱାଇଟା କେତେ ଅଛି, 1 ଅଛି, ତ 1 × 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସ୍ପିଡ଼ଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝି ଆସିଲା, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି, ଓକେ, ତ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଭଲସେ ବୁଝି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଫ୍ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ଇଜ୍ 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ତ ସେ କହିଲେ କି ଯଦି ରିଭର୍ର ଭେଲୋସିଟି ମନେ କରନ୍ତୁ 4 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଅଦର ଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ରିଭର୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରିପଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତ ଏଠି ସେ କହିଲେ କି ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ତା'ର ଟ୍ରିପଲ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ 3 ଟାଇମ୍ସ ତା'ର ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ଼ ଏଠି ପଚାରିଲା। ତ ଏଠି ସେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ, ୱାଇର ସ୍ପିଡ଼ଟା ଦେଇଦେଇଛି 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ଏଣ୍ଡ ଏଠି ସେ ରେସିଓ ଦେଲା, କାହାର ରେସିଓ ଦେଲା ନା, ଟାଇମ୍ର ରେସିଓ ଦେଲା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ରେସିଓ ଦେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଲା କ'ଣ ନା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇରେ ଯଦି ତାକୁ 1 ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଠି ତାକୁ କ'ଣ ହବ ନା, ଟ୍ରିପଲ୍ ଟାଇମ୍, ମାନେ 3 ଟାଇମ୍ସ ଲାଗିବ। ଠିକ୍, ତ ଏଇଠୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ଆସିବ, ଏଇ ଦୁଇଟାର ସମ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 4 ହେଇଯିବ। ଏଣ୍ଡ ୱାଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2 ହେଇଯିବ, 3 - 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଆମକୁ ୱାଇ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଏଠି ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ 2 ପାଇଲେ, ୱାଇଟା ଆମେ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି, 2। ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା 2 ନ ହେଇକି କେତେ ଅଛି, 4 ଅଛି ନା ନାହିଁ, 4 ଅଛି, ତା'ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ୱାଇଟା 2 ନ ହେଇକି 4 ହେଉଛି, ତା'ମାନେ ତା ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଣ କରାହେଇଛି ନା, 2 ଟାଇମ୍ସ କରାହେଇଛି। ତ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା 4 ଅଛି, ତ ସେଇଟା 4 ନ ହେଇକି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, 4 × 2 ହବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ହେବ, 8 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ତ ଅପସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 8 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଦିଆ ହେଇଛି, ଅପସନ୍ରେ ଦିଆ ହେଇନି, ଅପସନ୍ରେ ଦିଆ ହେଇନି ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ତାହେଲେ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଏଣ୍ଡ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଫ୍ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ଇଜ୍ 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ତ ରିଭର୍ର ଭେଲୋସିଟି ଦେଇଦେଲା ସେ 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଅଦର ଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ରିଭର୍ ଇଜ୍ 2.5 ଟାଇମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତା'ମାନେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ତା'ର 2.5, ମାନେ 2.5 ଟାଇମ୍ସ ତାକୁ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଟ୍ୱାଇସ୍ ଟାଇମ୍, 3 ଟାଇମ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର 2.5 ଟାଇମ୍ସ ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି।
देन से कहला फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो ये देखो आपको वाई टा देदेला के 6 किलोमीटर पर आवर देदेला एंड टाइम रो रेशियोटा से देला कौन ना एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई देला ठीक अच्छे। सो यू एक्स प्लस वाई मान कौन स्टीम रो डायरेक्शन रे जीवा पाई जदी ताको गोटे समय लगुच्छे तो एठी जीवा पाई ताको अपोजिट डायरेक्शन केते लागिवो 2.5 टाइम्स अधिका लागिवो। तो 1 इनटू 2.5 केते हिजबो 2.5। जदि एठी गोटे घंटा लगुच्छे तो एठी ताको कौन लगिवो अढ़े घंटा समय लगिवो ठीक अच्छे। सो यू आम बाहर करें कौन एक्स बाहर करें एंड वाई बाहर करें। तो एक्स टा कौन आसो ए दुटार सम हो दैट इज इक्वल्स टू 3.5 एंड वाई टा कौन हो दुटार डिफरेंस हो दैट इज इक्वल्स टू 1.5। बट एटी गोटे जिनस देखो कि वाइटा से आमको 6 देती एटी आम कैसे पाइले वाइटा आम 1.5 पाइले। तो वाइट एक्चुअली 1.5 नईकिटा के 6 हम ता मैंने केत टाइम्स कराई एद आपने देखिए 4 टाइम्स कराई। ओके अच्छा जदि ए 4 टाइम्स कराई ताने आमर एक्स रैल्यूटा भी कैसे हम एक्स रैल्यूटा भी 4 टाइम्स हम दैट इज 3.5 इंटू 4 टाइम्स जब आम कर कौन हो देखो 5 20 शून आसगला 2 4 3 12 13 14 सो दैट इज 14.0 दैट इज इक्वल टू आम कही पार 14 किलोमीटर पर आवर ठीक अच्छे। तो आशा करी कि आपको ये टाइप रनसेप्ट गुड़ाक बुझे आसत कि जितेबाला आपँ से कौन हम ना टाइम रो रेशियो दब कि स्पीड रेशियो दब ता सहित से आपको बोट कि स्टीम रो स्पीड दे थो जदि से स्टीम रो स्पीड दब ताल से आपको बोट रो स्पीड पचार जदि से आपको बोट रो स्पीड दब ताल से आपको स्टीम रो स्पीड पचार ठीक अच्छे। सो यही टाइप से एक्जामिनेशन आपको क्वेश्चन दब। तो आशा करी आपको आज भिडियो भल लगी जब आपको भिडियोटे भल लगी एंड जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना तेल चैनल को सब्सक्राइब करनी सहित जब भिडियो भल लगे भिडियो को मतलब लाइक कर देखा हम आगामी क्लास में से पर्यटन जय जगन्नाथ।